बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर जाके उसकी पेज की सेटिंग कैसे करते हैं। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल में पेज की सेटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से जाके एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद अब ये आ गया इसका सारा जो पेज, पूरा पेज है इसका। अब आपने यहाँ से इसमें यहाँ पर कुछ भी लिख दिया। अब इसको हमने यहाँ से जाके करना है प्रिंट प्रीव्यू। जब हमने प्रिंट निकालना है तो फिर उसको इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये इसका ये प्रिंट का प्रीव्यू है। अब जब हमने लिखा तो वो यहाँ ऐसे आएगा। अब कोई इस पर आपने लिखा हुआ पूरा पेज लिखा है या आधा लिखा है, जैसे भी आपने चले जाना पेज सेटअप के अंदर। अब यहाँ गए, ये पेज आ गया। अब यहाँ से होता है ये पोर्ट्रेट और ये पड़ा लैंडस्केप। लैंडस्केप करोगे तो ये जूम लैंडस्केप आपका प्रिंट निकलेगा, अगर पोर्ट्रेट करना तो पोर्ट्रेट आएगा। उसके बाद ये यहाँ से जाके पड़े ये पेज साइज, लेटर है, लीगल है, ये मुख्तलिफ साइज़ पड़े हैं। जो से ए फोर है, अगर ए फोर लगाना आपने ए फोर लगा दें, यहाँ से ए फोर करो, ओके करो तो ये ए फोर हो गया। उसके बाद पेज सेटअप में गए दोबारा जाके, ये मार्जिन में चले गए। अब ये इसका लेफ्ट से मार्जिन है, लेफ्ट से आप यहाँ से बैक स्पेस करके इसको 5 भी कर सकते हो, इधर से भी 5 कर दो, ये 5 हो गया। इसको आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी। इसी तरह ये टॉप है, टॉप से यहाँ इसको जो आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से जाके इसको टॉप से भी कम कर दो और बॉटम से भी कम कर दो। तो यहाँ से जाके इसको जैसे मर्ज़ी आप इसकी सेटिंग कर लें। उसके बाद ये हेडर एंड फुटर पड़ा के, वो अगर आपने वो करना है तो इसके बाद ये शीट पड़ी है, ये सारी इसमें सेटिंग पड़ी है। तो इसी में से जाके इसकी सारी पेज सेटिंग होती है। अगर जैसे आपने पेज है वो पेज से बाहर जा रहा है, आपका एडजस्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ से जाके आप 80 कर दो, 80 पे भी ज़्यादा अगर हो रहा था आप 70 कर दो, वो यहाँ से जाके आप अपना सारा इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी इसकी।